के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम धामी की पीएम मोदी से मुलाकात दिल्ली में करीब एक घंटे तक चली। इस दौरान धामी ने राज्य में चल रही कई विकास कार्य योजनाओं की जानकारी पीएम मोदी से साझा की। साथ ही उन्होंने राज्य को केंद्र सरकार से मिल रही सहायता को लेकर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने सीएम धामी की जमकर तारीफ की है। जिस तरह से उत्तराखंड में उनकी सरकार में विकास कार्य किए जा रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि आपकी सरकार से जनता को सीधे तौर पर फायदा हो रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने केंद्र से आगे भी उत्तराखंड में चलने वाली योजनाओं में मदद देने का वादा किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मुलाकात की जानकारी ट्विटर पर साझा की है। इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड में चल रही जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति मिलने पर पीएम मोदी को धन्यवाद किया है। साथ ही बताया गया है कि राज्य में केंद्र की मदद से कई सारी व्यापक योजनाएं चल रही हैं। सीएम धामी ने पीएम मोदी को चार धाम यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही सीएम ने पीएम मोदी को कैलाश और लोहालाट आश्रम आने का भी न्योता दिया है। बैठक के दौरान सीएम धामी ने जोशीमठ के पुनर्विकास के लिए मदद मांगी है। पीएम मोदी को जोशीमठ में विस्थापन कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने आर्थिक पैकेज के लिए 2942 करोड़ रुपए की मांग की है। सीएम धामी ने हरिद्वार से वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग की है। पीएम मोदी के साथ बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना के लिए 249 करोड़ की मांग केंद्र सरकार से की है। साथ ही उन्होंने पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट में सेवाओं के संचालन की विस्तारीकरण के लिए भारतीय वायुसेना को दिए जाने की मांग की है।